जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों हमारी दिनचर्या सुचारू रूप से चल रही होती है, परंतु कभी कभी अचानक हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जो हमारे दिल में एक वहम और डर पैदा कर देती हैं। अगर आपको भी अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो आमतौर पर घटित नहीं होती, तो यह शुभ संकेत नहीं होता। अगर आपके घर में चमगादड़ आना शुरू हो जाएं या उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया हो, तो यह बहुत अशुभ संकेत है। यह दरिद्रता और बुरे वक्त की निशानी होती है। घर के सदस्य रोगी हो जाते हैं, उनके स्वभाव में गुस्सा पैदा हो जाता है। अगर आपके घर में छछूंदर आ जाए और घूमकर चली जाए, तो यह संकेत शुभ माना जाता है। इससे ये बात का सूचक है कि आपके घर में धन आएगा और आपकी पैसे से संबंधित मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में बिल्ली घूमकर चली जाए, तो यह भी धन आगमन का संकेत होता है, यानी कि बिल्ली का घर में कभी कभार आना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लाल चींटियाँ आ रही हों या दीवार में कहीं से निकल रही हों, तो यह अशुभ संकेत है। ऐसे में धन का नुकसान हो सकता है और आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। यह संकेत घर के मुखिया के लिए अशुभ होता है। अगर आपके घर में कोई घायल पक्षी आता है या आपके घर में किसी का कटा हुआ अंग गिर जाता है, तो यह भी बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे में आपके ऊपर कोई भारी संकट आ सकता है। अगर आपके घर में इक्का दुक्का चींटियाँ काले रंग की हो और एक आधी बार दिखती हो, तो यह धन आने के संकेत होते हैं। इसके उलट अगर बारीक काली चींटियाँ लाइन बनाकर आपके घर में चलती हुई दिखाई दे या बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाएं, तो यह घर में बीमारी आने का संकेत देती हैं। अगर आपके घर में कभी कभार इक्का दुक्का छोटे मोटे चूहे दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। किंतु इसके विपरीत अगर मोटे मोटे चूहे आपके घर में घूम रहे हों, तो यह बीमारी और धन हानि का संकेत देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे संकेत आ रहे हैं जो आपको आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो आप अपने घर में हिमालयन सॉल्ट लैंप रखें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में लंबी लंबी बीमारियों को दूर करता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की यदि आप जानकारी पाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।